बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, उनकी बहनें हैं और उनकी दोनों बेटियां हैं। कल्पना तिवारी की मौजूद है और विवेक की माँ भी यहाँ पर मौजूद है। आज सबसे पहले कल्पना तिवारी की आवाज पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई और अभी का जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्र बहुजन समाज पार्टी के नेता, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। विवेक तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और एक एक मूवमेंट की जानकारी ले रहे हैं। और आपको बता दें कि मायावती का संदेश लेकर यहां पर सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे हुए हैं। मायावती ने जो कुछ कहा होगा वो बताने के लिए पहुंचे हुए हैं यहां पर। कल्पना तिवारी के आवास पर, और इसके पहले हमने आपको बताया कि सरकार ने यानी शासन ने रिपोर्ट तलब की है विवेक हत्याकांड के मामले में, यानी अगला स्टेप बस सीबीआई जांच का ही होगा। तो मायावती का, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो का संदेश लेकर सतीश चंद्र मिश्र यहां पर पहुंचे हुए हैं, विवेक तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी विवेक के परिजनों के साथ है, शायद यही बताने के लिए वो यहां पर निश्चित तौर पर पहुंचे हैं। और आगे कोई लापरवाही नहीं होने दी जाएगी, ये भी भरोसा दिलाया है।